देशभर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी की ओर से किए गए कोरोना महामारी को लेकर ट्वीट पर पलटवार करते हुए अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने सवाल खड़े किए। असीम गोयल ने कहा कि सत्ता के समय भी ये बेकार लोग रहे हैं। असीम ने कहा कि भारत का पप्पू और हरियाणा का पप्पू मिलकर कांग्रेस की लुटिया तो डुबो चुके हैं और अब ये भारत को दोबारा विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। इसी के साथ असीम गोयल ने राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट पर कहा कि ये महामारी का समय है और सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, दानवीर आगे बढ़कर कोरोना में मदद कर रहे हैं। असीम ने कहा कि केवल विपक्ष आगे नहीं आ रहा, वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। महामारी का समय है, देखिए जो व्यवस्थाएं थी उसे नाते देश को सरकार बचाने के लिए लगी हुई है। आज संस्थाएं आगे आ रही हैं, आज हर गली मोहल्ले से युवा साथी आगे आ रहे हैं, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे नए नए दानवीर आगे बढ़ के, सब कंपनीज आगे आ रही हैं, लेकिन आगे नहीं आ रहा तो देश का विपक्ष, वो आज भी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। जब वो सत्ता में होते थे, पक्ष में थे, तब वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेले। 50 साल तक जो पार्टी ने देश के अंदर सत्ता संभाली, आज देश के अंदर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, वो पार्टी आज अगर सवाल खड़ा कर रही है तो बड़े शर्म की बात है। जिनके टाइम में केवल एक एम्स था और जब ये 12 एम्स की प्रक्रिया शुरू हुई है, अटल जी ने 6 एम्स बनवाए, मोदी जी आज उनको 12 तक लेके जा रहे हैं, तो उन पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आज विपक्ष में है, आज तो मुझे लगता है पार्टी के बीच की लाइन खत्म करके मिलके हाथ इकट्ठे मिलाकर अपने भारत को बचाने का एक समय। तो ओपी शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस पूरे मामले को लेकर असीम गोयल ने तमाम सवाल उठाए हैं। ओपी शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर असीम गोयल ने पलटवार किया है। तो राहुल गांधी के ट्वीट पर असीम गोयल का पलटवार, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, भारत को दोबारा बनाना चाहते हैं विदेशियों के हाथ की कठपुतली, ये असीम गोयल की तरफ से कहा गया और उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है। तो विपक्ष लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर असीम गोयल ने पलटवार किया है। और पश्चिम बंगाल में हुई दर्जनों हत्याओं के विरोध में लघु सचिवालय के सामने बीजेपी सांसद के साथ जिला अध्यक्ष, मेयर और पूर्व विधायक ने धरना दिया और मांग की है कि हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। आपको बता दें कि चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। तो पूर्व विधायक भी धरने में शामिल हुए। हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग इसमें की गई। पश्चिम बंगाल में हुई दर्जनों हत्याओं का विरोध करनाल में देखने को मिला। बीजेपी सांसद के साथ जिला अध्यक्ष, मेयर ने भी धरना दिया है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, धरने पर बैठे हैं यहाँ पर बीजेपी के नेता, बीजेपी सांसद के साथ जिला अध्यक्ष, मेयर ने भी धरना दिया। पूर्व विधायक भी धरने में शामिल हुए। पूर्व विधायक भी धरने में शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी तमाम बीजेपी नेताओं ने आज धरना दिया। पश्चिम बंगाल में हुई दर्जनों हत्याओं के विरोध में लघु सचिवालय के सामने बीजेपी सांसद के साथ जिला अध्यक्ष, मेयर और पूर्व विधायक ने धरना दिया।
और मांग की कि हथियारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। आपको बता दें कि चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में दर्जनों हत्याओं का विरोध अब किया जा रहा है, जो दर्जनों हत्याएं की गई। केसीआरए हमारे संवाददाता स्थल पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। केसीआरए, जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी सांसद के साथ जिला अध्यक्ष मेयर ने यहाँ पर धरना दिया, जो पश्चिम बंगाल में हत्याएं हुई हैं उनका विरोध किया जा रहा है इस धरने के जरिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लघु सचिवालय के सामने आज सेक्टर 12 में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से करनाल के सांसद संजय भाटिया, वहीं मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा की मौजूदगी में धरना दिया गया और रोष प्रकट किया गया। विरोध किया जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई और उनके घर उजाड़े गए हैं, आग लगाई गई, तो तमाम दातों को लेकर के विरोध प्रकट किया जा रहा और रोष जताया जा रहा। बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल में प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 5 लोगों ने यहाँ पर धरना दिया और मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर लगभग 1 घंटे का सांकेतिक धरना यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लघु सचिवालय सेक्टर 12 में दिया गया। जी चलिए, केसीआरए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कैथल में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया। इस धरने में कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर, जिला प्रधान अशोक गुर्जर सहित 5 पदाधिकारी शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय के बाहर यह धरना दिया गया। धरना देते हुए विधायक लीलाराम गुर्जर और जिला प्रधान अशोक गुर्जर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा का नंगा नाच टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, वो पूरी तरह से ममता बनर्जी की शह पर किया गया और जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, वो लोकतंत्र की हत्या है। हर जीत सदैव चलती रहती है, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मौत का जो खेल खेला है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और बीजेपी की मांग है कि तुरंत प्रभाव से सेवा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। और कुरुक्षेत्र में पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शपथ वाले दिन देशभर में बीजेपी लोकतंत्र की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में देश के राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आते ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू कर दिए। सुभाष सुधा विधायक थानेसर ने भी बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।